नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए अब एम्स भेजा जाएगा, उन्हें एम्स रेफर कर दिया गया है। आपको हमने कुछ देर पहले ही बताया था कि 8 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया है, जो सारी चीज़ों की जाँच के बाद ये फैसला लेगी कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव का इलाज कहाँ पर बेहतर तरीके से हो सकता है। फैसला निकल कर आ गया है। डॉक्टरों की टीम ने ये कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए रिम्स से दिल्ली के एम्स में शिफ्ट कराया जाना चाहिए और अब लालू प्रसाद यादव को एम्स ले जाया जाएगा, वहीं पर उनका इलाज होगा। आपको बता दें कि अभी से कुछ देर पहले लालू प्रसाद यादव के दोनों ही बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे थे रांची में, और अभी अभी फैसला निकल कर आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के एम्स में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था, जिसमें अलग अलग विभागों के एचओडीज को शामिल किया गया था। कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर उसमें शामिल थे, नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर, रेडियोलॉजी, नेत्र विभाग, सर्जरी विभाग, मेडिसिन विभाग, यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर इनमें शामिल थे इस टीम में, और सभी ने मिलकर ये फैसला लिया है कि लालू प्रसाद यादव को अब बेहतर इलाज के लिए रिम्स से एम्स भेजा जाएगा। दिल्ली के एम्स में अब लालू प्रसाद यादव का इलाज चलेगा, वहीं पर उनकी आगे की देखरेख की जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव बीते 2 दिनों से ज़्यादा बीमार हो गए हैं। खराब स्वास्थ्य के कारण वो रिम्स में तो एडमिट थे ही, लेकिन अब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी है। फेफड़े में पानी की परेशानी थी, साथ ही साथ डॉक्टरों ने ये कहा कि निमोनिया के लक्षण है। सिटी स्कैन भी कल करवाया गया था, उसका हो सकता है रिपोर्ट आ गया है, लेकिन अभी इसकी कोई खुली जानकारी नहीं दी गई है कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव को और कौन कौन सी परेशानी है। लेकिन डॉक्टरों ने फैसला ले लिया है कि अब लालू प्रसाद यादव का इलाज जो है वो दिल्ली के एम्स में होने जा रहा है। दिल्ली के एम्स में उन्हें एडमिट कराया जाएगा। 8 सदस्यीय जो डॉक्टरों की टीम थी, उन्होंने सभी चीज़ों पर रिसर्च किया, सभी चीज़ों पर स्टडी की। लालू प्रसाद यादव की जो मौजूदा हालत है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया कि उनका जो इलाज है, बेहतर इलाज, वो दिल्ली के एम्स में ही संभव है। रिम्स में जितना उनका इलाज हो सकता था वो करा लिया गया है, और अब दिल्ली के एम्स में लालू प्रसाद यादव को एडमिट कराया जाएगा, उन्हें भेजने की तैयारियां शुरू हो गई है। और कुछ देर पहले ही लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। और कल ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि पिता के स्वास्थ्य को लेकर वो मुख्यमंत्री तक से मिलेंगे, बेहतर इलाज के लिए कहां आगे भेजा जाना है इस बात की इजाज़त भी लेंगे, और इन सब विषय पर उनसे चर्चा भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री आवास तो दोनों पहुंच चुके हैं लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे, और अब फैसला भी डॉक्टरों का निकल कर आ चुका है कि अब लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के एम्स भेजा जाएगा, वहीं पर उनका बेहतर इलाज हो सकता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।